झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, कमोडिटी की अगर बात करें, पिछला हफ्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है। अगर हम सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटी की बात करें, यहाँ पे हमने गोल्ड के अंदर 1% की तेजी बनते हुए देखी है और चांदी में करीबन 0.5% की तेजी बनी है। कहीं ना कहीं फैट के मिनट्स आने की रुकावट थी, एक तरह से हम बोल सकते हैं। फेड की मिनट से पहले मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में तेजी बनी है, साथ में बॉन्ड यील्ड में तेजी बनी है। बट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंसर्न और युद्ध जो मोर देन 42 डेज हो चुके हैं, ये भी गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो पूरे हफ्ते में हमने देखा कि प्राइजेस 51,200 के नीचे नहीं गए और 52,200 के ऊपर नहीं गए, जो हमने उम्मीद की थी। चांदी के अंदर भी हमने देखा 65,000 का बेस बन चुका है, 68 का रजिस्टर बन चुका है। सोने और चांदी में अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 52,200 का लेवल तोड़ने पे हम 52,850 तक का लेवल गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं चांदी के अंदर 67,500 का लेवल तोड़ने पे हम कहीं ना कहीं 70,000 की तरफ दौड़ लगाते हुए दिखेंगे। फंडामेंटल साइड अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल 1940 का लेवल तोड़ चुका है, गोल्ड में शॉर्ट कवरिंग हुई है, चांदी में फ्रेश बाइंग हुई है। तो अगले हफ्ते सोने और चांदी में दोनों में तेजी रख के चलिए, जहां पे हमें लगता है कि गोल्ड 52,800 से 850 और चांदी 68,500 का लेवल तोड़ते हुए 70 का भी लेवल तोड़ पाएगा। RSI एक रेंज में है। एनर्जी पैक की बात करें तो यहाँ पे हमने काफी घमासान आते हुए देखा, जहाँ पे क्रूड के अंदर तो हमने 2.5% की गिरावट, जबकि नेचुरल गैस के अंदर हमने 10% की बड़ी तेजी बनते हुए देखी है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी पैक के अंदर एक कॉन्ट्रा व्यू बनते जा रहा है। बिकॉज क्रूड के अंदर हुआ क्या है, IEA ने कहा है कि हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व मार्केट में निकालेंगे ताकि ऊंचे क्रूड के भाव में कुछ गिरावट आए और इकोनॉमी को सपोर्ट मिले, जिसमें US भी पहले से ही बता रहा है कि हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व निकालेंगे, जिसके चलते हमने ये प्राइसेस में बड़ा फॉल देखा है। लेकिन हाँ, एक चीज और है, चाइना में जिस ढंग से हमने कोरोना का कंसर्न देखा है, ये भी डिमांड पे डेंट लगाता है, जिसके चलते प्राइसेस में हमने जबरदस्त फॉल आते हुए देखा और 7200 का हमने सपोर्ट बताया था, 7140 तक के लेवल हम आते हुए देखे। हायर साइड में 8000 के ऊपर प्राइसेस जाते हुए नहीं दिखाई दिए। लेकिन अभी भी आप ध्यान रखिए कि डिमांड साइड काफी कंसर्न्स नहीं है जितनी सप्लाई साइड है, तो हो सकता है प्राइसेस 7000 से लेकर 8000 का ही ब्रॉडर रेंज रहेगा। अनलेसर एंट्री 7000 के नीचे वीकली क्लोज नहीं करता है, ट्रेंड पॉजिटिव है, जो 7600 के लिए क्रूड लिया जा सकता है। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की अगर बात करें, तो नेचुरल गैस के अंदर हमें लगता है एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के अंदर 490 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो ही हम एक नई तेजी देख पाएंगे। अदरवाइज 455 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे मार्केट एक बड़ा रूप नेगेटिव ले सकता है। फंडामेंटल साइड की बात करें तो रशिया ने वेस्टर्न कंट्री से डिमांड किया है रूबल का, जब तक आप पेमेंट रूबल में नहीं करेंगे हम गैस की सप्लाई रोक सकते हैं, जिसके चलते नेचुरल गैस को सपोर्ट मिला हुआ है। बट आगे जाके सीजन वार्मर वेदर का हो जाएगा, जिसके वजह से कभी भी गिरावट आ सकती है। बट आपको ध्यान रखना है 455, जब तक 455 का लेवल ब्रीच नहीं हो हमें शॉर्ट पोजिशन नहीं बनानी। तो इन शॉर्ट, क्रूड को बाय ऑन ड्रॉप रखिए, नेचुरल गैस के अंदर सेल ऑन जंप की स्ट्रेटजी बनाकर चल सकते हैं। वहीं अगर हम पूरी बेस मेटल पैक की बात करें तो काफी मिला जुला ट्रेड था। चाइना मार्केट हॉलीडे पे था, चाइना में कोरोना का कंसर्न है और जिस ढंग से US ने कहा है कि हम बैलेंस शीट को टेपर डाउन करेंगे, उसका चलते भी बेस मेटल पे थोड़ा सा एक नेगेटिव मूव बना है। बट रेंज जो बताया गया था वो वैसा ही रेंज है, 810 के नीचे नहीं जा रहा है कॉपर और ना 830 के ऊपर जा पा रहा है। अगले हफ्ते के लिए मे भी पॉसिबल है कि वापस 810.5 के आसपास 808-810 के करीब मिले लेके चलिए। बड़ी तेजी के लिए 830 तोड़ना बहुत जरूरी है, जो 850 तक का लेवल दिखा दे, जिनके अंदर इन्वेंट्रीज मल्टी ईयर लो पे पहुंच चुका है। एनर्जी क्राइसिस के चलते प्राइसेस को सपोर्ट है, स्टील इंडस्ट्री में भी डिमांड बनी हुई है। तो ओवरऑल जिंक के अंदर हमने 0.5% की तेजी देखी, फ्रेश बाइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है वीक ऑन वीक के अंदर, जिसके चलते हमें लगता है कि 345 के करीब लेके चलिए। 362 का लेवल तोड़ने पे हम 370 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। निकल में ट्रेड अवॉइड कीजिए एज ऑफ नाउ, शॉर्ट कवरिंग जरूरी है बट फंडामेंटल साइड सपोर्टिव है, बट टेक्निकली वॉल्यूम्स काफी लो है, जिसकी वजह से हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए।
कमिंग ऑन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में हमने 1.5% की गिरावट देखी एक बड़ी तेजी के बाद। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर थोड़ा सा कंसर्न है डिमांड साइड, जिसकी वजह से गिरावट है, बट बॉक्साइट एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन लगा है ऑस्ट्रेलिया से, ये प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। कैन डिमांड बढ़ रहा है जिसकी वजह से भी प्राइजेस पे सपोर्ट है। एविएशन इंडस्ट्री जो हिट कर रही है, ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम को हिट लगा हुआ है।